पेट्रोल गरीब आदमी बिहा कर लिया, ले लिया दहेज में मोटरसाइकिल और उसके बाद में कितने लेने भरा पता है, गाड़ी रिजर्व में रहता है, बताइए। जाति आवासी बनवाने के लिए जाइए, कहेगा कि 300-600 लगेगा तब आए और आवास बनेगा। अब ब्लॉक में जो सुनंग ऐसा प्रखंड है वहाँ जाकर ऑनलाइन कर दीजिए, 2 महीना में भी रिटर्न नहीं होगा जाति आवासी बन करके। आज पैसा दीजिए, 24 घंटा के अंदर लीजिए। गैस दिया सर 500 में, वो आज 5 साल के अंदर में 1000 रुपया हो गया, 30 रुपया भरा अलग से ले रहा है, 1030 हो गया। तो बताइए गरीब लोग महिला है कैसे जलाएगा हम लोग? महिलाएं वाकई जला रही हैं गैस की, फिर लकड़ी पर वापस लौट गई। देखिए गैस को तो मजबूरी है, गैस जलाना मजबूरी है। जब गैस घर में हो गया है तो औरत लोग झगड़ा करता है कि गैस नहीं दीजिएगा तो हम यह करेंगे ऐसे करेंगे, तो मर्द के साथ तो मजबूरी हो गया सर। पैसा कमाते हैं 200 रुपया रोज, अब महंगाई हो गया है, चरण सीमा पार कर गया है, तो हमको तो मजबूर होकर गैस लाना पड़ता है। हम टेटिया बम्बर में थे तो कुछ जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के भी समर्थक थे वहाँ, तो कह रहे थे कि भाई जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात में लोगों का वेतन भी बढ़ा है। पहले 400 रुपया लोग पा रहे हैं जो है मजदूर। हमको बताइए सर, 400 रुपया मजदूरी कहाँ मिलता है? हम लोग वहीं जाके करेंगे जो लोग बोल रहा है। आज भी 200 में मजदूर बहुत लोग घूम रहा है, काम करता है मनरेगा में, आज तो कहता है कि सरकार का पैसा आएगा तब ना खत्म देंगे तुमको। मंगने के लिए जाता है वार्ड कमिश्नर के पास, तो कहता है नहीं नहीं पैसा अभी नहीं मिलेगा, जब तुमको मिलेगा, जब मिलेगा मनरेगा पैसा तब मिलेगा। बताइए कहाँ का इंसाफ है? जाति आवासी बनवाने के लिए जाइए, कहेगा कि 300-600 लगेगा तब आए और आवास बनेगा। अब ब्लॉक में जो सुनंग ऐसा प्रखंड है वहाँ जाकर ऑनलाइन कर दीजिए, 2 महीना में भी रिटर्न नहीं होगा जाति आवासी बन करके। आज पैसा दीजिए, 24 घंटा के अंदर लीजिए। बताइए नीतीश कुमार भ्रष्टाचार करके बिहार में रखा है कि नहीं? एगो पदाधिकारी को कुछ बोलिएगा, लात जूता दे करके धोप देता है, भगा देता है, हम लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, गाड़ी गलम भी कर देता है, खाली पैसा खोजता से कर जाइए। कहाँ से गरीब आदमी पैसा देगा? हम लोग के पास पैसा नहीं, लोग बैठले बैठले कम कर देंगे यहाँ से। आज देखो डीजल था 50 रुपया, आज हो गया 100 रुपया, बताइए कहाँ का पेट्रोल। गरीब आदमी बिहा कर लिया, ले लिया दहेज में मोटरसाइकिल और उसके बाद में कितने लेने भरा पता है, गाड़ी रिजर्व में रहता है, बताइए। महंगाई लेना तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है, लेकिन कोई अपने मन से देता है, कोई मांग थोड़ा रहा है हमको दहेज दीजिए, अपने मन से बेटी बुला देता है कि भाई 4-5 बीघा जमीन ले लीजिए इतना, और उसके बाद देता है तो सौदा हो जाता, उसमें बात कहो कुछ रहा, उसको हम लोग बढ़िया से रखते हैं, उसमें कोई व्यक्ति का अति नहीं। चश्मा कहाँ से किनते हैं? तारापुर बाजार से, कहीं बाहर से लेके? दुबई का टोपी हेलमेट देख रहे हैं ऊपर, बताइए तो क्या आप देख रहे हैं? बोलिए क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, क्या दुबई में काम हम करते थे कि? वर्किंग करते हैं वहाँ। हाँ, दुबई में वर्किंग करते हैं। अच्छा, तो किस तरीके का काम करते थे, कब लौटे वहाँ से? 2 महीना हो गया छुट्टी आए हुए हैं। अच्छा, फिर जाएंगे वापस। फिर जाएंगे, किस तरीके का काम करते थे? बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छा से, यहाँ बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कोनो क्या करेगा? किस तरीके का काम करते हैं? अच्छा, यहाँ से बहुत गुना अच्छा है, अच्छा से कुछ तो काम करते होंगे ना, घर वगैरह बनता है वहीं पे, तो वही फर्नीचर वगैरह काम करते हैं हम लोग, फर्नीचर का काम, समझे ना। तो यहाँ की तुलना में बेहतर काम है उधर? बेहतर काम है, सब कुछ अच्छा है, इस तरह लूज खसोट नहीं है, कोई भी चीज के लिए रिश्वत नहीं है वहाँ। अच्छा, जहाँ जैसे यहाँ चलो उधर बोलिए।